नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आप ही के अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ राजस्थान बोर्ड कक्षा 5 का पाठ नंबर 9 सदाचार। दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक जो पाठ है वो अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी RBC बोर्ड क्लास 5 के नाम से, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ये हिंदी का पाठ नंबर 9 रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक कक्षा 5 के स्टूडेंट या आपके कोई स्टूडेंट कक्षा 5 में पढ़ता है या आप किसी पेरेंट्स हैं तो इसके ये पाठ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको पाठ के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। देखिए दोस्तों, पाठ नंबर 9 है हमारा सदाचार, पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। आप हम सबको पता है कि मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, यानी बहुत अलग अलग तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम है। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर कई तरह के काम करता है लेकिन समाज के कुछ नियम है। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। यानी पहली परिभाषा क्या हो गई कि सदाचार किसे कहते हैं, समाज के नियमों के अनुकूल किया गया कोई भी काम क्या कहलाता है, सदाचार। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न बताना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना और बड़ों का आदर करना आदि, ये सब क्या है, उत्तम चरित्र के गुण है। जिस व्यक्ति व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाते हैं। यानी सदाचारी कौन कहलाता है, जिसके चरित्र में ये सारे गुण होंगे वो क्या कहलाएगा, सदाचारी। सदाचार शब्द दो शब्दों के मिल से बना है, सत प्लस आचार। यानी सद प्लस आचार नहीं, सत प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा, आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है, यानी ईमानदार जरूर होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदार बनता है, चाहे वह सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, वह सब में ईमानदारी पूर्वक रहता है। सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी कार्य में उसे आनंद और सम्मान मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित व संयमी भी होता है। इन गुणों के उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान, रहन सहन में दिखा देता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देते हैं। सत्य बोलना एक प्रकार की बहुत बड़ी तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हर दिन सत्य बोलने वर्त लेते हैं वह सदाचारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति मरते दम तक इस बात का पालन करते हैं। सदाचारी व्यक्ति ध्यान देता है, प्रसन्न रहता है, वह उसके संपर्क में आने वाले प्रसन्नता देते हैं। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थिति भी प्राय उसके जीवन में आती है किंतु सदाचारी उनसे विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा है उससे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य और सहनशक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार भी उसके स्वभाव में होता है। वह अपने कार्यों से दूसरों का सदा भला करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो, समुदाय हो, सदाचार व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। यानी हर जगह उसकी पूजा होती है। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। यानी सदाचार क्या है, सफलता का मार्ग है। जो अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्तियाँ प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्तियों प्रकट करने वाले सामर्थ्य वाले मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उनका व्यवहार सदा अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सदव्यवहार करना चाहिए। सदव्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सदाचार किसे कहते हैं। जो आपको पहली लाइन में ऊपर दिया गया, जो समाज के नियमों के अनुकूल कार्य करता है वह सदाचार, जो कार्य समाज के अनुकूल नियमों के अनुकूल किया जाए वह सदाचार कहलाता है। विपत्ति में क्या करना चाहिए, दोस्तों विपत्ति में कभी भी धैर्य व सहन शक्ति विपत्ति, लेकिन सदाचार व्यक्ति इसमें उनसे विचलित नहीं होता, धैर्य और सहन शक्ति रखनी चाहिए। सद्गुण से क्या तात्पर्य, अच्छे गुण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। उत्तम व्यक्ति गुण है तो डय उपयुक्त सभी हो जाएगा। सत्य बोलने की प्रकार की गए अखंड तपस्या। व्यक्ति की सदाचारी होने की पहचान किससे होती है, उसके खान पान, रहन सहन, गुणों आदि से। सदाचारी व्यक्ति गुण कौन कौन से, ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये देखिए ये सारे गुण दिए हैं ना, ये आपको सारे जो गुरुजन आदर करना, सत्य बोलना, ये सारे इसके उत्तर हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता, क्योंकि वह जो है वो हमेशा धैर्य और सहन शक्ति उसमें होती है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। सदाचार सफलता मार्ग कैसे है, तो ये नीचे लाइन है ना, वो उसका उत्तर हो जाएगा। और लास्ट, महापुरुष हमारे आदर्श क्यों है, क्योंकि वो हमेशा जो है उनका व्यवहार जो है वो सदाचारी होता है, इसलिए वो हमारे अनुकरणीय। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पाठ। हम कल
अगले पाठ में पढ़ेंगे नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, ये पाठ हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, नए बोले पाँचवीं क्लास की हिंदी का पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।